हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का इतिहास की क्लास सिक्स की बुक, और जिसमें चैप्टर वन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो एनसीईआरटी की जो बुक है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की जाती है, आप लोगों को पढ़ने में जो है वो इंटरेस्ट आएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कहानियां जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इस तरीके से तैयार की गई है कि बच्चे जो है उनको कहानियां बहुत पसंद होती हैं, और कहानियों के माध्यम से उन्हें कोई भी नॉलेज दी जाए तो उनको याद रहती है। जैसे कि मूवी वगैरह हम देखते हैं तो उसमें एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी आती है, दूसरी के बाद तीसरी कड़ी आती है। तो हमसे यदि कोई पूछ लेता है उस मूवी के बारे में, फिल्म के बारे में, तो हम झट से उसको बता देते हैं, क्योंकि हमने वो कहानी बहुत अच्छे से देख ली है। ऐसे ही जो है वो ये किताबें तैयार की गई हैं ताकि आपको भी जो है वो बहुत अच्छे से याद रह सकें, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए, रसीदा का सवाल। अब ये जो लड़की है इसका नाम क्या है, रसीदा। तो इसके मन में जो है वो कुछ सवाल उठ रहे हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। तो अखबारों में जो सुर्खियां होती हैं, न्यूज जो होती है उस पर पड़ी। उसमें क्या लिखा था, 100 साल पहले। तो वो ये सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब हर एक के मन में जो है कुछ ना कुछ सवाल जो है वो होते ही हैं, और बच्चे जो है उनके मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं जैसे ही कोई चीज वो देख लेते हैं, कि ये चीज जो है वो किसने बनाई, कैसे बनी, कहाँ से आई, ठीक है। इसी तरीके से रसीदा के मन में भी सवाल उठ रहे थे, कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है वो बात करेंगे जो कि उस समय उस घटना पर जो है वो वहां पर रहा होगा, ठीक है, उसको जो है उस चीज की जो है याद रही होगी, जिससे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो ये सबको जो है रसीदा भी सोच रही थी, और हम भी ऐसा ही सोचते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े वो पहनते रहे होंगे, किस तरह के घरों में वो रहते होंगे, ठीक है। तो हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या जैसे हम इस टाइम जो है वो जिन मकानों में रहते हैं ऐसे ही मकान जो है वो पहले भी रहते थे। तो हमने थोड़ा बहुत तो हमें नॉलेज है कि पहले लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, उससे भी पहले कैसे रहा करते थे। तो जो चीज हमें जो है नॉलेज में नहीं है, जो हमने नहीं देखी है, तो उनके बारे में जो है हम सोचते हैं कि पहले लोग कैसे रहा करते थे। जैसे आज हम कपड़े पहनते हैं, क्या वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे, क्या वो खाते थे। तो ये जो भी चीज हमारे सामने अभी जो आती है, कपड़े हैं, खाना है, घर है, ठीक है, कैसे बनी ये, इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल हमारे भी माइंड में उठते हैं। तो हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो किताबों में हम देखते हैं, वहां से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनके आधार पर हम पता लगाया जा सकता है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से कहानियां सुना करते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि आज के बच्चे जो गेम खेलते हैं तो पहले के बच्चे नहीं खेलते होंगे। बच्चे यदि पहले खेलते थे, कुछ ना कुछ तो वो खेलते ही होंगे, ठीक है, उनको जो है कोई ना कोई कहानियां तो सुनाई जाती रही होंगी। कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, तो इन सब का पता हम लगा सकते हैं इतिहास से, ठीक है। इतिहास जानने की ही चीज है, यहाँ इतिहास यानी कि प्राचीन समय में क्या हुआ, हम जो आज जीवन जी रहे हैं उससे पहले क्या घटित हुआ, तो ये सब कुछ हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। लोग कहाँ रहते थे, तो देखिए मानचित्र 1 पृष्ठ 2, इस समय नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इन लाइनों से जो है वो हमें क्या पता लगा कि लोग जो है सबसे पहले नर्मदा नदी के जो है तट उसके आसपास जो है वो रहा करते थे, और ये कैसे थे, कुशल संग्राहक थे, ठीक है। तो प्रारंभिक जो मानव था वो कुशल संग्राहक था, यानी कि उसका काम क्या था कि जंगलों से जो है फल फूल जो भी उसके खाने लायक जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करना और अपना जीवन यापन
करना, ठीक है, जानवरों का जो है वो शिकार किया करते थे। तो ये चीज जो है वो आपको याद रहेगी कि सबसे पहले जो आरंभ के जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, ठीक है, और नर्मदा नदी के आसपास वो रहे थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। तो याद रखना, सुलेमान और किरतर पहाड़ियां कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है दिशाओं का कि ये जो है क्या है, ये पूर्व है, ठीक है, ये जो है आपका पश्चिम है, और ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यानी इस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। तो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहाँ गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो आपको भी पता लग गया कि 8,000 वर्ष पहले जो कृषि की गई वो किसकी की गई, यानी कृषि की जाती थी, तो गेहूं और जौ जो कि खाद्यान्न फसलें हैं, इन फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था, ठीक है। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, यानी कृषि के साथ जो है वो पशुपालन ये प्रारंभ हो गया था 8,000 वर्ष पहले। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरतक पहाड़ियां हैं, ठीक है, कहाँ पर है? देखिए, ये रही सुलेमान पहाड़ी और ये रही किरतर पहाड़ी, ठीक है, और ये क्या है, उत्तर, और ये क्या है, पश्चिम। उत्तर पूरब में, अब उत्तर पूरब कहाँ है, ये उत्तर बताया मैंने और ये पूरब बताया, यानी कि ये जो एरिया है ये क्या है, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया, चावल उगाया गया। तो अभी हम देखते हैं कि चावल जो है वो कहाँ उगाया गया। तो ये भारत का जो है मैप है, और यहाँ पर देखिए गारो जो पहाड़ियां हैं उत्तर पूरब में, यहाँ पर जो है सबसे पहले चावल उगाया गया। और यहाँ पर देखिए विंध्य पहाड़ियां हैं, विंध्य पहाड़ियां जो कि भारत जो है उसके बिल्कुल मध्य में है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसके मध्य में विंध्य पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर और गारो पहाड़ियां, यहाँ पर जो है सबसे पहले चावल की जो है कृषि की गई, ठीक है, यहाँ चावल उपजाना प्रारंभ किया गया। और गेहूं और जौ जो कि सबसे पहले जो है 8,000 वर्ष पहले किरतर और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास जो है उगाया गया, उत्तर पश्चिम के यहाँ, ठीक है। तो ये जो है जो लोकेशन जो मैंने आपको बताई, ये आप याद रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्तर पश्चिम में जो है कौन सी पहाड़ियां हैं, तो जहां पर गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया गया था, तो याद रखें किरथर सुलेमान, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां हैं और मध्य में है विंध्य पहाड़ियां। नेक्स्ट देखें, मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सहायक नदियां जो है वो क्या होती हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज कई बार बताई है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम मैप में यदि देखें तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। तो गंगा नदी, अब ये देखिए जो सोन नदी है ये गंगा नदी में आकर मिल रही है, देखिए यहाँ पर आकर जो है वो ये मिल गई है। तो सोन नदी जो है वो सहायक नदी हुई किसकी? गंगा की। यमुना जो है वह भी यहाँ से निकलकर जो है यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी भी गंगा की क्या हुई? सहायक नदी हुई। चंबल जो है वह भी देखिए यहाँ दक्षिण से आकर जो है राजस्थान में बहती हुई जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में आके और किस में मिल जा रही है? ये यमुना में मिल जा रही है। तो यमुना की सहायक नदी क्या हुई? चंबल नदी हुई। तो यहाँ सहायक नदियों के बारे में तो आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही है, ठीक है। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। किन नदियों के किनारे? गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग जो है 2,500 वर्ष पहले हुआ। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं इनके आसपास जो है 4,700 वर्ष पहले नगर जो है यहाँ पर बसे, ठीक है। और गंगा और उसकी जो सहायक नदी है इसके किनारे जो है वो 2,500 वर्ष पहले जो है वो नगरों का विकास हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखें कि 4,700 वर्ष पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2,500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। तो देखिए सबसे पहले जो है वो कुशल संग्राहक के रूप में जो है वो बताया गया आरंभिक मानव ऐसा था। उसके बाद उसने जो है कृषि करना प्रारंभ हुआ, गेहूं जौ उपजाना प्रारंभ किया, ठीक है, फिर चावल उपजाना प्रारंभ किया। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे स्थायी, जब कृषि करना प्रारंभ हो गया तो वह धीरे धीरे जो है स्थायी जो है वो रहना प्रारंभ उसने
कर दिया, ठीक है। पहले जो है वो घुमंतु था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपना जो है खाने पीने का जो है सामान इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके जो है वो अपना जीवन यापन करता था। अब वो जो है एक जगह रहना जो है वो उसने प्रारंभ कर दिया, तो नगरों का विकास हुआ, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो है सोन का पता लगाओ, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो मैंने आपको बताया कि जो सोन जो है वो एक ऐसी नदी है, ऐसी सहायक नदी है गंगा की, जो कि दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे मगध के, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। तो देखिए, हमने देखा था कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है सोन, तो इसके जो है आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध नाम से जाना जाता था, और ये एक विशाल राज्य था क्योंकि बहुत शक्तिशाली था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा करना उनके लिए असंभव नहीं थी, अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो जैसे जैसे मानव जो है वो नई नई चीजों को देखने लगा, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब वो क्या करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जो है वह यात्रा करना प्रारंभ उसने कर दिया। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि इच्छाएं जो है वो अब बढ़ने लगी थी। लोग पहले एक जगह इधर उधर जो है वो जंगलों में घूमा करते थे, फिर वो कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, फिर वो एक जगह रहने लगे, नगरों का विकास होने लगा। अब उनकी इच्छाएं क्या हो गई कि वो जो है अब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे कि हमारा जो क्षेत्र है वो अधिक शक्तिशाली हो, ठीक है। तो दूसरे क्षेत्र को जो है वो विजित करने के बारे में सोचने लगे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वस्तुओं को ले जाने लगे और लाने लगे। और इसके अलावा धार्मिक गुरु जो है वो लोगों को शिक्षा और सलाह जो है वह भी दिया करते थे, वह भी एक गांव से दूसरी जगह जाने लगे, यानी यात्रा जो है वो करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाने लगे तो दूसरी जगह की जो चीजें थी उनसे परिचित होने लगे, अपनी जगह पर आकर जो है उन चीजों को बताने लगे। तो इससे जो है जो ज्ञान था वह भी एक जगह से दूसरी जगह फैला। यहाँ पर मानचित्र एक जो है दक्षिण एशिया जो है जिसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। तो ये नाम जो है वो आप याद रखें, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार भी है, ठीक है, आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मानचित्र एक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये भारत क्या है, उपमहाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कुछ जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देश के नाम, यानी कि भारत जो देश है उसका नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ हम इसकी बात करेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, किससे निकला है, इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली, जहां पर सुलेमान और कितर पहाड़ियां हमने देखी थी, तो वहां से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा, ठीक है, तथा
इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। तो ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो गई एग्जाम के अकॉर्डिंग कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोज और इंडोज कहा। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जो है ऋग्वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। किस समूह का उल्लेख? भरत। ठीक है, भरत जो समूह है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है वो भारत देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जाने? तो अतीत के जो जानकारी है वो हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, यानी कि पुस्तकें जो हैं जिनमें पहले की बातें लिखी गई हैं तो वहां से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती थी? पांडुलिपि कहलाती थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई तो उनको क्या कहा गया? पांडुलिपि कहा गया। पांडु का अर्थ क्या है? हाथ। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है इससे निकला है। तो ये पूरी लाइन जो है आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लेटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो देखिए, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? पांडुलिपि है। ठीक है, उस समय जो है इस भाषा में लिखी गई थी। तो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि के तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पांडुलिपि है ये क्या है? हिमालय क्षेत्र में उगने वाला जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल जो है उससे तैयार की गई। ठीक है, चलिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। तो देखिए, पेड़ के पत्ते से बनी है तो हम देखते हैं कि जो पत्ते हैं उनको जो है उनमें कीड़े भी लग सकते हैं, तो ये जो पांडुलिपियां हैं उसी पत्ते से बनाई गई। तो कुछ तो ऐसी थी जिनको कीड़ों ने खा लिया और कुछ जो है वो नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, ये भी हैं। तो देखिए, महाकाव्य, कविताएं, नाटक ये भी प्राचीन समय में जो है वो लिखे गए थे। तो प्राचीन समय की जानकारी जो है वो हमें यहाँ से मिलती है, और इनमें से कई जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे, तो ये याद रखिएगा, प्राकृत भाषा क्या है? यानी कि जो आम जनता को समझ में आ सके ऐसी भाषा। तो जो नाटक लिखे गए तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और जो महाकाव्य थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि अभिलेख जो है वो किस पर उत्कीर्ण किए गए थे? तो पत्थर या फिर धातु जैसी कठोर सतहों पर किए गए। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। अब जो शासक होते थे, राजा जो होते थे, वो क्या करते थे कि हमारी जो प्रशंसा है वह दूर दूर तक फैले, तो वो पत्थरों पर जो है उत्कीर्ण करवाया करते थे, या कोई आदेश हुआ करता था वह भी वहां पर उत्कीर्ण करवा दिया करते थे। तो अपने आदेशों को वो इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, हर जो है व्यक्ति उसको आते जाते उसको पढ़ सके। ठीक है, और वो प्राकृत भाषा में जो है लिखवाए जाते थे ताकि हर एक को समझ में आ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रहा करते थे कि ये जो है हमने विजय प्राप्त की है उस शासक से लड़ाई करके उस समय में, तो वो सन, ठीक है, किस किस के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था। तो ये सब चीज जो है वो अभिलेखों पर जो है वो उत्कीर्ण करवाया करते थे शासक। तो देखिए, ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है
ये कठोर सतहों पर जो है वो उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, तो ये एक क्या है, अभिलेख है। अभी हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था पांडुलिपि। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है वो अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। तो अशोक का जो ये अभिलेख जो है, जो कि 2250 वर्ष पुराना है, ये कहाँ का है, ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो अशोक नामक शासक के आदेश पर यह लिखा गया, और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आज हम जो लिख रहे हैं, ये जो भाषा लिखी गई है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो हमें अच्छे से हिंदी में समझ में आ रही है। तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं, तो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जो संकेत होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, भाषा का, और लिखने के लिए हमने क्या किया, लिपि का प्रयोग किया। ठीक है, जिससे कि वो अक्षर और संकेत जो है वो उस समय समझ में आ सके। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरा यानी कि पुराना, ठीक है, यानी प्राचीन समय का। तत्व यानी कि जिन वस्तुओं का उसने अध्ययन किया। विद यानी विद्वान, तो उसे क्या कहेंगे, पुरातत्वविद, जिसने कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जो कि बहुत पहले की है, बहुत अतीत में जो वहां पर रखी गई थी, या वस्तुएं जो थी जो पहले की, कि कितने वर्ष पहले पुरानी है ये वस्तु, जो है किस काम में आई है। ठीक है, जो खोज करते हैं तो वो क्या है, पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है, और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। तो देखिए, जब हमने पढ़ा है पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ठीक है, कि वहां की खुदाई से जो है वो हमें इतनी सारी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो वही बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है खुदाई करते हैं, खुदाई से प्राप्त जो है जो सिक्के हैं उनसे पता लगाते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने रहे, या फिर जानवर हैं, चिड़ियां हैं, मछलियां हैं, उनकी हड्डियों से भी पता लगाते हैं कि ये जो है वो कब की बात है। तो इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग जो है वो क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे। पांडुलिपियां, तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये जो पात्र मिले हैं पुरातत्वविदों को, तो एक प्राचीन नगर के ये प्राप्त पात्र हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है वो कब हुआ था, 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की तो इनसे जो है देखकर उन्होंने जो है जानकारी हासिल की कि ये कितने वर्ष पुराना रहा होगा। और दाएं एक पुराना चांदी का क्या है, सिक्का है। ठीक है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो है वो 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। तो आज का जो सिक्का आपने देखा और ये जो सिक्का देखा, तो देखिए बहुत ही अंतर है इसमें। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और पुरातत्वविद कौन है, जिसने क्या किया, उन तत्वों की क्या की, प्राचीन तत्वों की क्या की, खुदाई की। ठीक है, और उसके बारे में जो है वो जानकारी हासिल की। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, और इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का क्या कर रहे हैं, पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब किसी की जो है रुचि होती है इतिहास पढ़ने में, तो वो व्यक्ति जो है वह भी क्या है, एक जासूस की तरह ही है। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज को क्या, जानना चाहता है, अतीत के बारे में वो परिचित होना चाहता है।
तो अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। तो जो चैप्टर का नाम भी जो रखा गया है वह भी सोच समझ कर रखा गया है, ये भी आप ध्यान में रखिए। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद जो है वो अतीत में भी विद्यमान थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे तिथियों का मतलब। तो हमने अतीत के बारे में जो है बहुत सारी जो है वो जानकारी प्राप्त की कि अतीत के बारे में पता हम कैसे कर सकते हैं, अभिलेखों के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, या हम किताबें जो हैं उनके माध्यम से पता कर सकते हैं, या फिर किसी भी शासक की जो जैसे कि उनकी प्रशंसा में जो लिखी गई चीजें हैं वहां से हम पता कर सकते हैं, जिनको हम अभिलेख कहते हैं, या फिर किसी की हस्तलिखित यानी जो पांडुलिपियां जो हैं उनसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शोध हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि अतीत में जो है वो क्या क्या हुआ था, लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, ठीक है, और किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन करते थे। तो नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तिथियों का मतलब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।